वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक लेना पड़ा छोटी सी, वो किसी वजह से लेना पड़ जाता है अक्सर। तो उसके बाद अभी हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ना ही आपका ना ही तो अपना, और स्पेशली आमिर साहब का टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि इनको अपने क्लिनिक भी जाना होता है। तो अब हम काम स्टार्ट करते हैं। जी सर, मैं अभी आपको पूरे पॉइंट्स तो हम नहीं लगाएंगे क्योंकि आपके पास टाइम बहुत शॉर्ट है, तो एक दो पॉइंट्स लगा के मैं आपको इसके डेमो दूंगा कि ये हजामा किस तरह से लगाया जाता है। ये कप्स होते हैं जो स्टेरलाइज होते हैं और उसमें मुख्तलिफ साइजेस के इनको ये कप्स होते हैं। ठीक है। ये छोटा है, इसे बड़ा फिर आपको वो मैं दिखाता हूँ। सही। ये देखें, एक सुन्नत पॉइंट के ऊपर मैंने हजामा लगाया। दो बार पुश करना है बस, दो बार तीन बार, वो डिपेंड करता है वैक्यूम के ऊपर। ये वैक्यूम गन होती है जिससे वैक्यूम किया जाता है। पेशेंट को कोई दर्द होता है सर इसका? नहीं, करते हैं तो? कुछ भी दर्द नहीं होता, ना इसका फील दर्द नहीं होता, ना फील भी, कुछ भी नहीं होता होता। ये मैंने बताया था, ये एक नेगेटिव प्रेशर होता है जिससे हम स्किन को प्रेस की बजाय ऊपर कर रहे होते हैं, खींच रहे होते हैं, उसमें रिलीफ फील करता होता है। सही। ये मैंने मुख्तलिफ पॉइंट, दो तीन पॉइंट के ऊपर मुख्तलिफ साइज के कप लगा के दिखा रहा हूँ। ये एक उससे बड़ा साइज होता है, इससे भी एक बहुत बड़े साइज का होता है। डिपेंड करता है पेशेंट बॉडी के ऊपर और पॉइंट्स के ऊपर, वहां पे इस तरह लगाया जाता है। अच्छा, मैं इस अभी ये कप तकरीबन एक मिनट तक लगे रहेंगे, उसके बाद हम इसमें हजामा के प्रोसेस में जाते हैं और उसमें हमने कट लगाना होता है इनको रिमूव करके। लेकिन इस हजामा लगाने से पहले स्किन को वॉश किया जाता है, जो कि ऑलरेडी हमने की हुई थी, लेकिन जब भी किसी एक्सपर्ट पे जाएंगे आप, किसी डॉक्टर के पास या किम के पास, होम्योपैथ के पास, वो पहले आपकी स्किन को वॉश करेंगे, कप लगाएंगे एक मिनट के लिए, उसके बाद कट लगाएंगे और उसके बाद 5 मिनट वेट करेंगे और फिर कट को रिमूव करके वहां पे अर्के गुलाब से हकीम होंगे तो अर्के गुलाब से उसको वॉश करेंगे, या हनी लगा के उसको वॉश किया जाता होता है, उसको किया जाता होता है। सर, अर्के गुलाब और हल्दी से क्यों, नॉर्मल पानी से क्यों नहीं कर सकते हम वॉश? नहीं, नॉर्मल पानी स्टरलाइज नहीं होता है, उसमें जर्म्स होते हैं, इसीलिए या तो डिस्टिल्ड वाटर इस्तेमाल किया जाता है या अर्के गुलाब इस्तेमाल किया जाता है जी। ऐसी कोई चीज जो जिसमें जर्म्स हो उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि ओपन माइंड होता है, पेशेंट आपके पास आया है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है कि आपने उसको हर तरह से केयर करना है, उसको पहले की परेशानी से दूर करना है, ना कि मजीद किसी परेशानी में आपने उसको इन्वॉल्व करना है। लगे हाथ आपको एक चीज यहाँ पर पेशेंट की नजर आ रही होगी कि ये इनको एक मस्से निकले हुए हैं। अच्छा, इन मस्सों के इलाज हजामा से तो होता है, लेकिन ज्यादा अच्छा इलाज इसका होम्योपैथिक में है। आपको अनबिलीवेबल। हम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अर्शद बात कर रहा हूँ। जी अर्शद साहब, मैं ये पूछने जा रहा था कि मेरे सर में दर्द रहता है, यानी कि मैं धूप में जैसे निकलता हूँ तो सर में दर्द होने लगता है जी, तो क्या हजामा में इसका कोई इलाज है? हालांकि सर ढक भी लेता हूँ, लेकिन तेज धूप होती है तो उसमें मुझे सर में दर्द महसूस होता है जी, तो इसका कोई इलाज है? हजामा में सर के दर्द का इलाज है यानी? ठीक है, आप देखते रहे, आमिर साहब अभी आपको जवाब देते हैं। थैंक यू फॉर कॉलिंग। सर में दर्द रहता है जी भाई, सर में दर्द है। रवानगी के वक्त अहराम की हालत में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहदीस में मिलता है, हिस्ट्री में मिलता है कि आपको आधे सर का दर्द हुआ था, तो आपने अहराम की हालत में ही सर पे हजामा लगवाया था। तो यहीं से आपको अंदाजा कर लेना चाहिए कि जी चाहे वो मैग्रीन हो या हेडिक हो, सर दर्द हो या आधे सर का दर्द हो, उसका हजामा में अच्छा इलाज मौजूद है, लगाया जाता है, लेकिन वो लगता सर के ऊपर है। मैं शायद उस वक्त मुआलिज आपसे ये कहें कि आप सर के इस हिस्से का टिल करा लें, रिमूव करवा लीजिए स्किन को, या आप सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर ही रिमूव करवाए जा सकते हैं। ठीक है सर, ये कितनी देर तक रखना है? ये एक मिनट तक रखा जाता है, तो मैं सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर ही लगाऊंगा, आपको टाइम ज्यादा नहीं लूंगा। तो इनमें 15 मिनट्स हैं सर हमारे पास, 15 मिनट्स हैं, 15 मिनट। ओके, ये जब हम हजामा लगा लेते हैं तो उसके बाद ये वाल होता है, इस वाल को जब हम पुल करते हैं तो ये वैक्यूम खत्म हो जाता है और कप यहाँ से रिमूव हो जाएगा। सही। तो और अब जहाँ पे हमने हजामा लगाने, वो मैं आपको इसका डेमो देके बताता हूँ। ये सर्जिकल ब्लेड होते हैं जो स्टरलाइज होते हैं ऑलरेडी, तो आम ब्लेड से हजामा नहीं लगाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये हजामा के बारे में कुछ पूछना था। जी जी पूछे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये हजामा के बारे में कुछ पूछना था जी।
जी पूछे। मुझे बताएं कि ये हजामा जो है इसका मोटापा वगैरह होता है उसमें भी कोई रोल प्ले करता है? मोटापे में कोई रोल प्ले करता है या नहीं हजामा? ओ बिल्कुल, इसकी तो हिस्ट्री मौजूद है, पाकिस्तान में हिस्ट्री मौजूद है कि कनाडा से खातून आई थी व्हील चेयर पे, इतनी मोटी थी कि व्हील चेयर पे उनको मूव करना पड़ा था और पाकिस्तान में उन्होंने कहा कि हजामे के सेशन लगाए और उसके बाद वो अपने पाँव पे चलती हुई गई और एक्टिव हो गए। मोटापे में उसका इलाज होता है। इसके अलावा हेलो कितनी सिटिंग्स लेनी पड़ेगी इसके अलावा? ठीक है जी, मोटापे का इलाज है या नहीं है, कितनी सिटिंग्स लेनी पड़ेगी, अभी इसका जवाब देते हैं आपको। ओके ठीक है जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग। कितनी सिटिंग्स हैं? डिपेंड करता है आपकी वेट के ऊपर, हर 15 दिन बाद आप हजामा लगवाइए और देखें जहां पर आप, वैसे तो मिनिमम 10 से 12 सेशन आप जरूर करवाइए और देखें उसके बाद। अगर आप कहती हैं कि जी मुझे अब रिलीफ हो गया, मुझे मजीद पतला नहीं होना, तो रोक दीजिए आप हजामा और उसके बाद सुन्नत के तौर के ऊपर महीने में एक मरतबा लगवा लिया करें, तो वो आपके आपके लिए अच्छा फील करेंगे। ठीक है जी, ठीक है सर। अपनी जिंदगी में कितनी बार करवा सकते हैं? मैंने जैसे पहले भी अर्ज किया कि ये सुन्नत है, आप ये पूछना क्या जवाब दूं कि नमाज आप कितनी बार पढ़ सकते हैं या वुजू अच्छा कितनी बार कर सकते हैं, तो ये अपनी पसंद है। आप नफली सवाब के लिए लोग लगवाते हैं, हर माह लगवाते हैं, सुन्नत तारीखों में लगवाते हैं और बगैर किसी रीजन के भी लगाते हैं कि जी अल्लाह, क्योंकि सुन्नत है, सुन्नत की अदायगी वो कर रही है और हजामा लगवा रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है सर। काम भी सर और कितना टाइम लगेगा इसमें? बस कुछ, अब मैं ये प्रोसेस शुरू करने वाला हूँ। ये सर्जिकल ब्लेड होता होता है, इससे मामूली से कट लगाए जाते हैं। सर ये आप मतलब यहाँ खड़ा होना जरूरी है आपका? जी ठीक है। कुछ फील होता है सर इससे? कुछ भी फील नहीं होता, मामूली सी पेन भी नहीं होता है पेशेंट को। वरना तो सोचेगा ब्लेड हमारे किसी भी जगह थोड़ा सा भी हल्का सा कट लग जाए तो भी कितनी जान निकल जाती है। अच्छा ये पढ़ने से, ये करने से पहले क्या कुछ पढ़ना भी पड़ता है? जाहिर है, दुआ तो शफा देने वाली जात अल्लाह ताला की है, हम कुछ भी नहीं है, ना कोई मेडिसिन दे सकती है शफा। तो आपने शायद सुना होगा कि जी खाके शफा, बिल्कुल बिल्कुल। रसूल ने एक जंग में जब सहाबा कराम जख्मी हो गए थे तो आपने फरमाया था कि फलां सहाबी के बाग से मट्टी उठा के अपने जख्मों पर लगा दो, तो शफा देने वाली जात अल्लाह ताला की है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बिल्कुल सही। ये मैंने ब्लड, जब भी मैंने कहा था कि बच्चे अगर देख रहे हैं ना, बच्चे घर पे प्रैक्टिस बड़ी करते हैं, रेसलिंग की भी करते हैं, तो वो ये इसको घर पे ना आजमाइए, घर पे ना कीजिए, इसको ना देखें और ये बिल्कुल इजी फील करते हैं ये। बल्कि होता ये हो कि जब हमारे पास हजामा लगवाने के लिए आते हैं और हमारे तो बकायदा स्ट्रेचर वगैरह और रूम अलहदा ही सेपरेट इसके होते हैं, इस तरह ओपन हम नहीं करते होते, तो थोड़ी देर बाद पता चलता है कि हमारे पेशेंट ने खराटे लेने शुरू कर दिए और वो मजे से सो गए। अच्छा, 15 मिनट में ही मजे से सो भी गए जी, बड़े रिलैक्स हो जाते हैं, बड़े इजी वो करते हैं, अक्सर पेशेंट सो जाते हैं। सही, तो इससे आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि उनको कितना सुकून महसूस हो रहा होता है। सर ये प्रोसीजर जो ये कितना मतलब कितने? अच्छा, आप जब हमने कट लगा दिया तो आप पेशेंट को हम टाइम देते हैं 5 मिनट का, 5 मिनट तक ये ब्लड इसको यहाँ से सक होता रहेगा, आफ्टर 5 मिनट हम इसको रिमूव करेंगे और इसको फाइनल की तरफ हम लेके चलेंगे। ठीक है, और सर जब रिमूव कर देते हैं फिर क्या करना पड़ता है? फिर इसके ऊपर हम इसको वॉश करते हैं, अरके गुलाब से वॉश करते हैं, उसके ऊपर हनी लगा देते हैं, लेकिन तो पेशेंट को मर्दों में खास तौर पे ये एहतियात की जाती है कि वो जब हजामा लगवाएं तो उसके बाद कोई अंडर गारमेंट इस्तेमाल ना करें, कोई ब्रांड वगैरह का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उसके ऊपर पसीना और डस्ट वगैरह लगी होती है, तो खुला किस्म का कपड़ा, खुली ओपन शर्ट इस्तेमाल की जाती है ताकि उस जख्म को टच ना करें। इसके ऊपर वैसे हम प्लास्टर भी लगा देते हैं ताकि इसके ऊपर जिस तरह सनी प्लास्ट या इस तरह की कोई चीज होती है, कोई भी सर टी शर्ट टाइप पहन सकते हैं, इससे ओपन रखा जाता है और ये इसके 1.5-2 घंटे के बाद ये बेशक शावर भी ले सकते हैं, नहा भी सकते हैं, इसका कोई अर्जी नहीं, ये 1.5-2 घंटे के बाद नॉर्मल हो जाता है ये। और जब हजामा लगाया जाता है तो बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं कि जी खाली पेट होना जरूरी है, खाना खाया हुआ होना जरूरी है, तो इसके लिए अर्ज ये है कि खाली पेट भी हजामा लग जाता है, खाना खाने के बाद भी हजामा लग जाता है, खाना हजामे के बाद खाना भी खा सकते हैं आप उसके फौरी बाद, लेकिन हम रिकमेंड ये करते हैं कि पेशेंट खाना खाने के 1.5-2 घंटे के बाद हजामा लगवाए,
या खाली पेट लगवा लें या पार्शली फास्टिंग की सूरत में वो हजामा लगवा सकते हैं, और पार्शली फास्टिंग 1.5 से 2 घंटे में हो जाता है। सही, ठीक है। और सर इसके सिम्टम्स कैसे पता लगते हैं जब किसी को जरूरत पेश आती है? वही थकान, मुख्तलिफ चीजें। देखें मेथड है ट्रीटमेंट का, जैसे एलोपैथिक है, जैसे होम्योपैथिक है, जैसे हर्बल है, जैसे इसी तरह से एक वे ऑफ ट्रीटमेंट तिब्बे नबवी है, और ये हजामा भी एक एक तरीके इलाज है जो बैरूनी तौर पे इस्तेमाल किया जाता है और उससे इलाज किया जाता है। तो अब डिपेंड करता है पेशेंट्स के ऊपर, उन्होंने तमाम मेथड इनटेक मेडिसिन के इस्तेमाल कर लिए, दवाइयां खा खा के थक गए, आखिरकार वो आ जाते हैं कि जी अब एक पैथी बच गई, चले इससे भी इसको भी आजमा के देख लेते हैं, और अल्लाह ताला इसमें शफा देते हैं। माशाल्लाह, सही, अच्छी बात है। ठीक है सर, सही कंप्लीट हो गया जी? बस ठीक है जी, तो अब हम इसे साफ करेंगे जी। ओके, साफ करने के लिए भी हम किसी कपड़े वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे? नहीं नहीं, नॉट ये स्टरलाइज्ड टिश्यू होते हैं, इनको इस्तेमाल किया जाता है जी। कोई काटन इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि उसके फाइबर्स होते हैं, वो जख्म भी लगने का खतरा होता है, और या कोई भी कपड़ा वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया जाता होता, क्योंकि हो सकता है इसमें कोई चीज लगी हो जी। ठीक है सर, कर रहे हैं आप, डर लग रहा है मुझे करवा रहे। पेशेंट को कैसा फील होता है अभी, इसके बाद पूछना चाहूंगी मैं। पेशेंट से आप पूछेंगे तो पेशेंट कहेंगे जी इसका आपने तजर्बा करके देख लिया, आप खुद ही 10 लोगों को और बताएंगे कि जी इसमें कोई पेन नहीं होता, कोई तकलीफ नहीं होती, कुछ भी, और सुकून कितना मिलता है जी। ठीक है, ये आपने रिमूव कर दिया, देन रोज वाटर से इसको क्लीन करना है। ठीक है, इसके निशान कट्स के जो निशान है वो कितने? ये एक से दो दिन में गायब भी हो जाते हैं। ठीक है, पता भी नहीं लगता कि करवाया है या नहीं करवाया है। एक से दो दिन में सर ये बिल्कुल निशान भी इसके खत्म हो जाते हैं जी। ठीक है, इसके ऊपर सर क्या लगा रहे हैं आप? हनी लगा रहे हैं? हनी लगती है इसके ऊपर। तो हनी क्यों लगा रहे हैं सर? हनी से ये निशान बहुत जल्दी गायब खत्म हो जाते हैं, सिर्फ निशान के लिए जी। ठीक है जी, निशान के लिए भी, और उसको किसी भी किस्म की डस्ट से जम से वो भी उसको सिक्योर करती है। ओके, कंप्लीट है ये जी? ये अब मुकम्मल हो गया, आप देख रहे हैं। पेशेंट जो है उनके फेस से ही, फेस के इम्प्रेशन से पता लग रहा है कि वाकई उनको बहुत ही अच्छा और सुकून सा फील हो रहा है। ऐसा हो रहा है, एटलीस्ट नोटिंग कर दें। ओके ठीक है जी, हो रहा है। ओके आमिर शाहीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकअल्लाह खैर है। इसके लिए आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, लोगों को बताया, अवेयरनेस दी है सारी खवातीन को, मर्द हजरात को, पूरे माशरे में जाहिर सी बातें अवेयरनेस फैलती हैं सब चीजों से। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? हजामा लगाने से मुतालिक मैं मैसेज यही दूंगा जो पहले ही मेरा मौकफ रहा है कि हजामा सिर्फ और सिर्फ मेडिकल फील्ड से रिलेटेड एक्सपर्ट से ही करवाइए, कोई हकीम हो, होम्योपैथिक हो या एलोपैथिक हो। हमारे मुल्क में 3 ही निज़ाम राइज हैं, सिर्फ इन्हीं से ही आप हजामा कराएं, क्योंकि इनको पता है कि आपकी खून की रगें कहाँ से गुजर रही हैं, कहाँ पे कट लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना, किन चीज़ों से लगाना है, किस माहौल में लगाना है, कैसे लगाना है, उसकी ही इनको 4 से 5 से 6 साल तक तालीम दी जाती है। तो ये 4-5 साल पढ़ने के बाद जाके इस काबिल होते हैं कि आपकी बॉडी को ये हजामा लगा सकें। किसी क्वैक से लगाएंगे, किसी जाली डॉक्टर से लगवाएंगे तो ये ना समझिए आपके जी किसी मौलवी से लगा ले तो हमने सुन्नत की अदायगी कर दी। हाँ, अगर वो मौलवी साहब हकीम है तो फिर बेशक लगवाइए। अगर कोई नई मेडिकल की तालीम पढ़ा हुआ है तो बेशक लगवाइए आप, लेकिन खुदा रहा अपने आप को एक्सपर्ट्स के हवाले करें। आप बाल कटवाने हेयर एक्सपर्ट के पास जाते हैं, कपड़े सिलवाने आप अच्छे टेलर के पास जाते हैं, इसीलिए अपना इलाज करवाने भी किसी अच्छे प्रैक्टिशनर के पास। ओके आमिर साहब, थैंक यू सो मच, आपकी पूरी टीम का। जी नाज़रीन, देखा आपने कि कितनी अच्छी बात बताई आमिर साहब ने हमें, क्या क्या बताया कि किस तरह से करना चाहिए। जाली हकीमों और मौलवियों के पास ना जाएं, आप एक्सपर्ट्स के पास जाया करें। इसके साथ ही साथ वाइंड अप का टाइम हो चुका है, तो वाइंड अप में हम जाते हैं। और आपको एक बात मैं और बता दूं कि अभी इसके बाद इन द किचन हम देखने जा रहे हैं शेफ जाकिर, कह रही हूँ एक्चुअली वो भी हमारे यहाँ हुआ करते थे, तो जाने माने शेफ गुलजार साहब का। आप इन द किचन में आज ये देखेंगे
और सीखने की कोशिश करेंगे। जाहिर सी बात है, मैं हमेशा ही कहती हूँ कि कॉपी और पेन अपने पास रख लिया करें। मैं भी अक्सर हमेशा अपने पास रखती हूँ, और या फिर वीडियो में मोबाइल फोन से, टैब से, इन सब चीजों से रिकॉर्ड कर लिया करें। वो आज बनाने जा रहे हैं थाई रेड चिकन एंड चिकन सैलेड, तो ये बनाएं आज की दोपहर के खाने में। आप अपना खुद भी खाएं और बच्चों के साथ इंजॉय करें खाने को। और कल भी हमारे साथ बहुत ही अच्छे अच्छे से गेस्ट मौजूद होंगे, इंशाल्लाह हम आपको डेली की तरह कल भी मालूमात फराहम करेंगे। इसके साथ ही साथ अपनी होस्ट सॉलिन और इनको इजाजत दें, बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।